होटल छुट्टी आगे बैठो। अच्छा तो बैगे दूसरी ना ये भी वो थोड़ा ना चाय दुकान में रुकेंगे क्या अभी हम लोग मंदिर नहीं चाय पीना है। हाँ ज्यादा नहीं नहीं, नहीं मंदिर 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 पास है क्या मंदिर के पास में। हाँ हम आपको सब पिए। हाँ क्या हम लोग फास्ट किए हुए अभी उपास पर चाय के हम नहीं पिए सुबह से। और एक तो सिंह वाले दुकान में रुक दीजिएगा बीच में मंदिर। हाँ मंदिर होने के बाद जी अब और भी गया है साइड सीन के लिए। अच्छा अगर यही से हाँ यही होटल से अभी एक आइस गया ना पहला आया है नौ आदमी गया ना एक आइस में। हाँ बेटा आइस अभी वहीं पर मिलेगा अभी अभी गया वो भी नहीं पहुँचा है। आपको पूजा का जो मंदिर में जाने का आइडिया इधर उधर का है ना। हाँ प्रसादी लेने का ये पूरा साइट सीन बता दिए ना आपको जितने भी जगह जाना है करके वो सब मंदिर में हम मिल जाएगा ना वहाँ बुला देंगे वो सब करा देगा आपको मंदिर में भी जल्दी करा देगा। मंदिर जाने का पैसा नहीं लगेगा आपको। हाँ वो तो विजिटिंग नहीं लगता नहीं वो जो लेके जाएगा ना। हाँ आपको मंदिर में वो भी पैसे नहीं लगेगा आपको। ये होटल का आदमी होटल का बॉस है ना। हाँ उसी का आदमी है वो आप नहीं वो तो ऐसे भी एंट्री फी ही रहता है ना। नहीं नहीं एंट्री फी का बात नहीं है। हाँ दुकान है फूल प्रसादी का वो नहीं भी लेने से तो भी तो एंट्री फ्री ही रहता है। नहीं 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 लेने से भी फ्री रहता है। हाँ जब भी जाएंगे फ्री है हिंदू के लिए है ना। मैंने बोला कि आपको जा करना है तो और शादी और शादी लेके जूता सुता सब उधर ही खोल के जाइए बहुत आराम से करा देगा। क्योंकि आज लीडे का दिन है यहाँ का बहुत लोग जाता है मंदिर। पोखरा के लिए हाँ लिए नहीं कल निकलना है ना पोखरा। हाँ, हाँ, बस में। हाँ बस में ये बहुत अच्छा जगह है पोखरा। हाँ वो बहुत अच्छा यहाँ पर आपके यहाँ पर गाड़ी बहुत हो गया ना मंदिर के लिए सिर्फ है फेमस फेमस उधर पे और देखने के लिए हिल स्टेशन पोखरा में जाए पोखरा से बहुत अच्छा। फिर भी एक दो अच्छा जगह तो होगा ना पहाड़ी में ऐसे कुछ नहीं नहीं इधर बहुत दूर जाना पड़ता है फिर भी। मतलब कौन सा ऐसा जगह है जो थोड़ा सा दूर है अच्छा जगह है नगरकोट। नगरकोट वहाँ पर जाना है तो आपको नाइट स्टॉप ही जाना पड़ेगा। नाइट बस में बोल रहे बस नहीं है टैक्सी। कितना दूर होगा यहाँ से किलोमीटर यहाँ से 42 किलोमीटर। शाम में चला जाइए ना मार्केट
दुर्गा पीछे में है बारी में मंदिर के उधर, हाँ काठमांडू दरबार स्क्वायर भी उधर, उधर इंडियन सुपर मार्केट भी है। मार्केटिंग करना है तो अच्छा जगह वो। अभी उधर जैसे एक बार छोड़ के आ जाएंगे तो फिर दोबारा आखिरी में नहीं जाना होगा ना, क्योंकि मार्केट वगैरह सब लास्ट में जाते हैं, पहले तो इतना मंदिर नहीं, नहीं। पहले आप मंदिर खत्म हो, जितने भी मंदिर खत्म हो जाए तो उसका बाद होटल हम छोड़ देंगे ना। हाँ होटल का बाद आपका हम बात कर रहे हैं आपके जाने के लिए, शाम का तो आपको टाइम पास तो चाहिए ना। शीत खत्म होने के बाद तो आपको टाइम पास चाहिए ना, थोड़ा तो घूमना चाहिए ना। जी जी हम वही बोल रहे हैं। मैं सोचा बोले अभी नहीं नहीं अभी पशुपतिनाथ मंदिर करके वहाँ देख, पशुपतिनाथ विजयेश्वरी मंदिर, विजयेश्वरी माता है ना, स्वयंभू मंदिर वही सब हम अच्छा से आपको कर देंगे। कोई कंप्लेन आया तो बोलिए ना, हमको फिर कल से काम नहीं करना है क्या उसका सर का। हम जो बोरू ज्यादा दिखा सकते हैं हम कम नहीं कर सकते। असल में क्या हमको ये बताइए भैया, पर्ची बना के नहीं दी आपको, एक में गिर गया था उसको फिर दोबारा खड़ा की है। ओ भीमसेन टावर अभी ओपनिंग नहीं किया, खड़ा तो करने कर रहा है लेकिन ओपनिंग नहीं हुआ है, खड़ा तो कर रहा है। हाँ भीमसेन टावर बोलते हैं उसको, भीमसेन टावर। हाँ उस टाइम में इधर ये काठमांडू में पीने का पानी नहीं था, वो भूकंप से है ना सब किधर किधर चला गया, पानी नहीं था इधर, पूरा सूखा था, पानी भी नहीं था, कितना जगह पर पानी नहीं था, इधर सब बाहर से ला कर के पिलाया। हम लोग उसी साल आने वाले थे हाँ, और गोरखपुर वाला टिकट था वो कैंसिल कराना पड़ गया, सोनौली बॉर्डर से टिकट था गोरखपुर ट्रेन का। अभी अब की बार हम लोग वेस्ट बंगाल से हैं। आप लोग कहाँ कर रहे हैं? छत्तीसगढ़
জানি না কেন হয়ে তো গেছে কত জায়গা বাহান্ন জায়গা তো অত ভেব না নাই তাহলে তাহলে হ্যাঁ তো ওর মধ্যে হ্যাঁ অনেকগুলোই দেখতে পাকিস্তানে দুটো দুটো আছে নাকি বাংলাদেশে দুটো আছে অতগুলো করি না সম্ভব তুমি যতক্ষণ সোলোটা ব্যাকপ্যাকার হবে না তোমার এত করা সম্ভব হবে প্যাকেজ করে তুমি এই আমরা 12-15 বছরে এই তো কটা করে উঠতে পারলাম প্যাকেজে তোমার বাজেট বিগড়ে যায় আর তারপরে সব হয় না একসাথে এখানে যেখানে আমরা সোলো ব্যাকপ্যাকিং টাইপ নিজেদের প্ল্যান বানিয়ে করেছি ওখানে ম্যাক্সিমাম করতে পেরেছি ক্লিক করে না
হবে কত কত বছর ভগবান জানে। তুমি এখন আবার এমএফএল করার জন্য দু বছর লাগে এমএফএল করতে, দিয়ে তুমি ইউটিউব থেকে তাড়াতাড়ি করে নিতে পারো দু বছর। पार्किंग हो नीचे होता है ना जी, हम तो ये अभी पूरे रास्ता से लाया आपको नजदीक कर रहे थे। ठीक है, हाँ मैं यहाँ बड़े सीधे पसलपट्टी पट्टी आँदैछु, पसलपट्टी नै आऊ, पसलपट्टी नै आऊ, म यता भित्रको बाटोबाट छिरेर है। आफ्नो साहेबी यहीँ पिना है त दिदीजी, साहेबका पिताजी है, अरू त जुत्ता सुत्ता राख्नेको लिए, फुल प्रसादी लिनेको लिए दुकान है, ल्याउनु छिटो एक मिनट नहीं नहीं छुट्टी कर दिन লাগিয়ে দে ইয়েটা টুকিটা, চল চল তাড়াতাড়ি বেরো। कुछ नेपाली करेंसीज गए तो कुछ फिर से चेंज में वापस ले लिए, और ये मंदिर का प्रवेश द्वार बैरिकेड, बाकी टाइम में सीज़न में यहाँ बहुत भीड़ रहती होगी, कार भी एक वहाँ से यहाँ पार होके आ रहा है, वहाँ पर तो बच्चों के गार्डन और कुछ कुछ है, उस वाले कैंपस से भी आप अंदर जा सकते हो, और ये मेन कैंपस यहाँ से अपन गए थे मंदिर के ऊपर वो लॉन वाला हिस्सा, फिर नीचे सीढ़ियों से उतर के वो मेन टेम्पल है, मंदिर है उसका, देखो इधर ऊपर दिख रहा है, और ये कुछ है सामने रेस्ट हाउस या कुछ भी होगा। चलो अभी मार्केट के पास चलते हैं, अपन इसको बुला के लाते भैया को, बाकी एरिया भी दर्शन करना है, ये मार्केट है इधर का एरिया पूरा, यहाँ हम लोग वो ऊपर वाले साइड से आए हैं, अभी नीचे यहाँ पार्किंग स्थल है, ऊपर भी जो रिहायशी एरिया के अंदर ही पड़ जाता है, इसलिए पार्किंग जो है वहाँ से होके लोग आ रहे थे, तो वहाँ भी मैंने देखा काफ़ी सारी पार्किंग है, अभी तो कार वाले को मैं इधर देख लेता हूँ है कि नहीं है, नहीं तो फिर ऊपर भी उसने जहाँ तक मुझे याद है ऊपर बोला था, टुक टुक ने सुना था शायद नीचे पार्किंग में वो गाड़ी रखे होंगे, देख लेते अपन। और इसके बाद हम लोग वो नोस कौन से मंदिर लेके जाएंगे, एक तो स्वयंभू मंदिर है, उसका एक नाम बताया था उन्होंने, फिर से आगे जाके पता चलेगा हम लोग को। और ये मेरे बैक साइड में मंदिर प्रांगण दिखेगा, मंदिर तो बहुत नीचे है, पर हो गया आधे घंटे 40 मिनट में पूरा दर्शन।